हेलो गाइस, वेलकम टू पीएल सीक्वल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे सीक्वल के अंदर जो हम टेबल बना रहे हैं उसको पीएल सीक्वल में किसी वेरिएबल की हेल्प से कैसे उसको फेच कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे टेबल में डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम पीएल सीक्वल यानी कि प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे हम उसके अंदर के डेटा को फेच कर सकते हैं और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए इस चीज को हम सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना रखा है जिसका नेम है यहाँ पे कस्टमर। आप देख सकते हैं कस्टमर नाम का एक टेबल मैंने बना दिया है। इसके अंदर कॉलम है आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी और प्राइमरी की मैंने बनाया है आईडी को, जिससे ये यूनिक रहे, यानी कि दो रो को सेम आईडी ना प्रोवाइड हो। इसके लिए मैंने इसको प्राइमरी की को असाइन किया है आईडी को। तो चलिए इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। फिर इसके बाद से वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं बारी बारी से। पहला रो इंसर्ट हो गया, फिर ऐसे ही दूसरा रो भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ, फिर ऐसे ही तीसरा रो। इसके अंदर 6 रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हम क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, कस्टमर्स है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या है, हमारे टेबल पूरा अच्छे से क्रिएट हो गया कि नहीं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा टेबल ऐसे क्रिएट हो गया। ये इसके सारे यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे रो है और इसको आईडी असाइन होगी 1 to 6 तक। अब हम इस पे पीएल सीक्वल की क्वेरी हम लगाएंगे कि कैसे हम जो ये टेबल के डेटा है इनको हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से यानी कि पीएल सीक्वल के प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे इनको बारी बारी से फेच कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि पीएल सीक्वल का प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आता है, यानी कि कीवर्ड जो हम यूज करते हैं वो डिक्लेयर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वो कीवर्ड लिखना होगा डिक्लेयर। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कीवर्ड डिक्लेयर। इसके बाद से हम यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि सी आई डी, ये हम यूज करेंगे आईडी के लिए जो हमारे टेबल के अंदर है। तो सी आई डी ये वैल्यू के अंदर यानी कि इस वेरिएबल के अंदर आईडी की वैल्यू को लाने के लिए हमें यहाँ पे पहले टेबल का नेम देना होगा कस्टमर्स, देन डॉट और कौन से कॉलम को हम लाना चाहते हैं यानी कि आईडी को, और ये किस टाइप की होगी। तो हमें टाइप से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि अगर ऊपर हम देखें तो ये टाइप हमने डिक्लेयर किया है आईडी के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट। तो हमें अगर टाइप की परवाह नहीं करनी है यानी कि कोई भी टाइप हो तो हम उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करते हैं परसेंटेज टाइप। तो ये किसी भी टाइप का होगा वैल्यू ये फेच कर लेगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ 1। तो इससे क्या होगा, ये सी आई डी जो अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके अंदर जो आई डी की टाइप है यानी कि कस्टमर टेबल में जो आईडी है जिसका ID 1 है वो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ये सी आई डी के अंदर। अब एक और हम वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं सी नेम, और इसको भी सेम ऐसे ही लिख लेते हैं डॉट। अब यहाँ पे हम नेम के लिए कर रहे हैं तो नेम देन परसेंटेज टाइप। फिर ऐसे ही और एक वेरिएबल हम बना लेते हैं जिसका नेम मैं दे देता हूँ एड्रेस के लिए ये एंड परसेंटेज टाइप। लास्ट वेरिएबल जो हमारा सैलरी के लिए होगा वो C_सेल, और इसको कस्टमर्स टेबल से फेच करने के लिए यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है सैलरी इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। तो ये जो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का सेक्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि जो सी नेम हमने सी आई डी के लिए मैंने बता दिया, ऐसे ही सी नेम के लिए हमारा जो वेरिएबल होगा तो नेम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो सी नेम के अंदर आ जाएगी इस नए वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही जो एड्रेस में वैल्यू होगी वो C_एड्रेस में आ जाएगी। ऐसे करके जो हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें फेच करने के लिए यानी कि इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए हमें एग्जीक्यूटेबल कोड लिखना होगा, यानी कि एक्चुअल प्रोग्राम हमारा क्या वर्क करेगा वो हमें लिखना होगा। तो इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है यानी कि एग्जीक्यूटेबल कोड जो शुरू होता है उसके लिए हमें यहाँ पे कीवर्ड जो लिखना होता है वो होता है बिगिन। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे बिगिन। फिर उसके बाद से अगर हमें स्पेसिफिक चीजें अपने टेबल से अगर प्रिंट करानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दूं सेलेक्ट, जैसे कि नेम प्रिंट कराना है, एड्रेस प्रिंट कराना है, सैलरी प्रिंट करानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वो वेरिएबल यहाँ पे दे देंगे पीएल सिक्योर के अंदर। ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे आए हैं ये किस वेरिएबल के अंदर आए हैं वो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सीरियल वाइज में यानी कि जो हमने नेम यहाँ पे दिया है नेम एड्रेस सैलरी, इसी सीरियल वाइज में हमें न्यू वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो पहला वेरिएबल नेम के लिए जो हमने बनाया है वो C_नेम कॉमा, अब एड्रेस के लिए है तो C_एड्रेस यानी कि C_AD।
फिर उसके बाद से सैलरी के लिए तो सी अंडरस्कोर सेल। अब हमें किस टेबल से लेके आना है, तो हमारे जो टेबल का नेम है आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर है, आप ऊपर देख लीजिए यहाँ पे कस्टमर्स है हमारे इस टेबल का नाम, तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा फ्रॉम कस्टमर्स। हम कंडीशन लगाएंगे कि कौन सी आईडी के रिस्पेक्ट में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि रो है वो प्रिंट हो, तो हमने इसीलिए प्राइमरी के लिया था कि एक यूनिक हम डेटा को फेच कर सकते हैं यानी कि एक यूनिक रो को हम फेच कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें आईडी प्रोवाइड करना होगा। तो कस्टमर्स लिख दिया हमने, फिर वेयर आईडी इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सी आई डी दे देते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सी आई डी के अंदर अभी वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन है। अगर आई डी वन है तो उसके अंदर यानी कि उस रो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारा यहाँ पे फेच हो जाएगा, यानी कि नेम उसका आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, ये तीनों इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू कॉपी आ जाएगी वन, यानी कि आई डी जिसकी वन है उसकी ये तीनों इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाए, वो भी किस टेबल से, कस्टमर्स टेबल से। तो ये पी एल सिक्वल के अंदर इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इसके आगे आउटपुट हमें शो कराने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि आउटपुट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं dbms underscore output dot put underscore line देन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हमें वो सारे वेरिएबल पुट करने होंगे जो हमें प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, कस्टमर्स कौन कौन से ये आएंगे कस्टमर्स, देन हमें वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे और का साइन यानी कि ये डबल वर्टिकल लाइन को हमें लिखना होता है, आपको भी पता है कंकेटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसी सीरीज में हम प्रिंट कराएंगे अपनी वैल्यू को यानी कि नेम एड्रेस और सैलरी। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो वेरिएबल है सी नेम उसको हम दे देंगे, फिर इसके बाद से एक और हम यहाँ पे मैसेज देंगे फ्रॉम देन यहाँ पे और का साइन, फिर दूसरा वेरिएबल सी अंडरस्कोर ए डबल डी आर एड्रेस, फिर इसके अंदर मैसेज हम कर देंगे अर्न, देन इसके बाद से वो कितनी सैलरी उसकी है वो वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे यानी कि सी अंडरस्कोर सैलरी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारी ये वेरिएबल है नए वेरिएबल यानी कि सी नेम सी एड्रेस और सी सेल, तो इसके अंदर नेम एड्रेस और सैलरी की वैल्यू यानी कि वन रो के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ के वन रो के अंदर उसकी जो उसका जो नेम है वो रमेश है और सैलरी है ये 2000, ऐसे ही इसकी जो एज है 32 है, तो इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है यानी कि नेम एड्रेस और सैलरी, तो इसका नेम यानी कि रमेश, फिर उसके बाद से एड्रेस अहमदाबाद और सैलरी यानी कि 2000, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होगी तो सबसे पहले प्रिंट होगा कस्टमर, फिर कस्टमर का नेम क्या है रमेश, फिर उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा फ्रॉम, इसके अंदर स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा फ्रॉम, उसके बाद से एड्रेस उसका क्या है तो अहमदाबाद है, देख सकते हैं यहाँ पे अहमदाबाद है इसका एड्रेस, तो यहाँ पे कस्टमर रमेश फ्रॉम अहमदाबाद, देन उसके बाद एक और मैसेज प्रिंट होगा अर्न और उसकी सैलरी यानी कि 2000, यानी कि कस्टमर रमेश फ्रॉम अहमदाबाद अर्न 2000, तो इस तरीके से ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम बिगन सेक्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड। अब हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं इस क्वेरी को रन करके, दो रन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ गया, देखते हैं इसमें क्या एरर है लाइन फोर के अंदर, तो ये लाइन फोर है सॉरी, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है वो एड्रेस है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे ADDR लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें पूरा लिखना होगा एड्रेस, फिर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं इसकी आउटपुट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी आउटपुट आई है कस्टमर रमेश फ्रॉम अहमदाबाद अर्न 2000, तो यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये हमें शो हो गई, इसको थोड़ा सा और पास में कर देते हैं ताकि हमारा रिजल्ट क्लियर दिखे, तो ये देखिए हमारा रन हुआ, तो अब की बार आया वो सेम रिजल्ट आया। तो इस तरीके से आप टेबल बना के सिक्वल के अंदर फिर उसको पीएल सिक्वल के हेल्प से आप उस सारी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।